हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ शेयरिंग एंड केयरिंग। एंड हियर यू गो, ये रही मेरी सबको आप लोग को गुड मॉर्निंग बोलने आइए। हेलो, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और सभी बड़ों को नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते। तो आज है यहाँ पे एकादशी, ईशी, मामा, त्रिशु, हम लोग सब नहा के रेडी हो गए और हमने क्या किया? पूजा पूजा करके आरती भी हो गई है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब ईशी जा रही है खेलू खेलू करने और मामा जा रही है किचन में कुकिंग करने के लिए। तो मिलती हूँ आप लोग से, चलती हूँ लेके किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की एक स्पेशल सब्जी। बहुत दिन पहले बनाई थी, बिल्कुल भूल चुकी हूँ। अब देखती हूँ रेसिपी, एक्सपेरिमेंटल ट्राई करती हूँ, अगर अच्छी बने तो शेयर तो ज़रूर ही करूँगी आपसे और बताती हूँ फिर कैसा बनता है। और फिर अगर अच्छी बने तो मैं ब्लॉग में मेंशन करूँगी कि टेस्टी बनी है, तो आप लोग भी ज़रूर रेसिपी। ओके, तो लेट्स गो इन द किचन में ले चलती हूँ आप लोगों को। आ गई मैं अपने किचन में, तो लेट मी स्टार्ट द सब्जी एंड आई विल शेयर यू द रेसिपी। तो सब्जी बनाने के लिए मेरी कढ़ाई मैंने चढ़ा रखी थी, वो गर्म हो गई है। इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को गर्म होने के लिए वेट करूंगी। और इधर मैंने एक बड़े प्याज को कट कर लिया है और इधर मैंने एक पोट लहसुन का छिलके उसको मैश कर रही हूँ मैं अभी। हाँ, मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ क्यूमिन सीड, जीरा। जीरा जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमें मैं डालूंगी सारे मेरे एक बड़े जो मैंने प्याज काट के रखे थे, और थोड़ा सा मैंने इसमें इसके बाद प्याज डालने के बाद करी पत्ता ऐड किया है। करी पत्ता से भी एक तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो यहाँ मैंने प्याज और करी पत्ता ऐड करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद इसमें जो मैंने मैश किए हुए लहसुन रखे थे, अब इस भुने हुए प्याज और करी पत्ता में मैं वो मैश किया हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ और इसे भी ऐड करके मुझे मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं दो बड़े टमाटर के प्यूरी बना के ऐड करूँगी इसमें और इसे थोड़े अच्छे से मैं भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा टमाटर अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में मैं पहले डालूँगी दो चुटकी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी का। और इसमें फिर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, वो डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी ऑफ सब्जी। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर जो आपकी सब्जी की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। इसमें मैं एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर यहाँ ऐड कर रही हूँ और देन इसमें मैं ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच, एज़ आई सेड ऑलरेडी कि किचन किंग इज़ अ वन ऑफ माय फेवरेट मसाला, तो इसमें मैं एक छोटा चम्मच किचन किंग ऐड करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इससे सब्जी तीखी नहीं होती है बट कलर बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं मसाले का रंग कितना अच्छा आ रहा है। और इसे मैं थोड़ा देर भुनने के लिए, दो मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक मैं इधर छिले हुए आलूओं को मैश कर लूंगी। तो एक प्लेट में मैं इसे काटना नहीं है, इसे आपको या तो हाथ से या तो मैशर से आपको सारे आलूओं को मैश कर लेना है। इससे सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से सब्जी में आती है। आप देख सकते हैं यह मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, क्योंकि इसने देख सकते हैं इसमें साइड से तेल छूटा हुआ दिख रहा है। जब आपका मसाला इस तरह से साइड से तेल छोड़ दे, इट मींस आपका मसाला भुन चुका है। मसाला भुनने के बाद मैं इसमें जो मैंने मैश करके आलू रखे थे सारे आलू को ऐड कर दूँगी और ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे मैं दो मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। आपको बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, दो मिनट के लिए इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लीजिए। पे मेरा आलू भुन चुका है, अब इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। तो इस ग्रेवी को मैं ना बहुत ज़्यादा थिक करूँगी ना ही थिन करूँगी, तो इसे मीडियम ग्रेवी का करना है ताकि 5 मिनट तक इसे बॉईल करने के अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी डालूँगी। अब यहाँ पर इसमें ग्रेवी में मैं ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें सॉल्ट ऐड करके इसे मिक्स करके मैं लिड से कवर कर दूंगी और 5 मिनट्स बॉईल होने छोड़ दूंगी।
इसके लिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे बॉईल होने छोड़ दिया था, तो मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है। हियर मामा हैज समथिंग फॉर यू। फ्रूट्स खाना है? चलो। यू वांट वाटरमेलन त्रिशु? यस वाटरमेलन। कम हियर। तो त्रिशु ईशी लेके आई है अपने लिए। किसके किसके लिए लाई है ईशी? ओके थैंक यू सो मच। हम लेने आई ईशी वाटरमेलन फॉर किसके किसके लिए? फॉर यू एंड त्रिशु। दीदी इज वेटिंग फॉर यू। लेट्स गो। तो इट्स टाइम फॉर फ्रूट्स टाइम त्रिशु ईशी। You like watermelon? Yes. It's yummy. Say thank you, Didi. Didi bring it for you, right? Say love you. Ek dusre ko love you bol dijiye. Love you. Say love you too, Didi. What your tissue? Break. Let me show you surprises. मैं दिखा रही हूँ आप लोग को सरप्राइज। रुक जाए, आप लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अभी इन दोनों को देख लीजिए, शॉकिंग सरप्राइज अभी आने वाला। हाय हाय, तो ये रही मेरी सरप्राइजेस रेडी। एक जो मेन सरप्राइज देने वाली थी, पता नहीं वो रेडी नहीं हो रहा है। अगर वो रेडी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को एक बहुत स्पेशल सरप्राइज देखने मिलेगा। बट इज नॉट गेटिंग रेडी। नहीं पहना यशु भैया, तो सरप्राइज आप लोग को नहीं मिल पाएगा। यशु ने सरप्राइज देने से मना कर दिया है। तो ये दो प्रिंसेस देख लीजिए। त्रिशु शो मामा ये ड्रेस। दिस इज ईशी रेडी। मामा यू फॉरगॉट। आई फॉरगॉट। इट्स इज दैट ओके नॉट? यू वांट मामा टू बाय इट? ओके कम। ओके तो ये रही ईशी। एंड हियर यू गो, हियर इज त्रिशु डांसिंग हियर। थोड़ा सा डैडा से प्यार ले रही है गोदी में। टर्न टू मामा। बोली बबली चुमच प्यारू प्यारू। इसी को भी प्यार चाहिए। डैडा गोदी में जाना। से डैडा गोदी गोदी गोदी। तो सब अपने डैडा से अपना अपना प्यार ले रही है। और डैडा को अभी जॉब जाना है किची। ओली बबली। तो ये रहे ईशी और त्रिशु के डैडी प्यालू प्यालू करते हुए। और यार यार छोटी सी बिल्ली प्रिंसेस डैडा में प्यार लेती है। हागी दे दो, हागी दे दो दोनों डैडा को। ईशी हागी। सो इन दोनों लोग का प्यार मोहब्बत हो। ओके ईशी मामा गोइंग फॉर योगा। ओके बेटा प्रिंसेस मामा गोइंग फॉर योगा। ओके यू वॉन्ट टू ज्वाइन मामा? No? Okay, you enjoy. You see friends, being mother, it's not easy. तुरंत तुरंत बच्चों का डिमांड बहुत हाई होता रहता है। So, you saw कि मेरा किचन का मैंने काम कर लिया है एंड दोनों प्रिंसेस मेरी रेडी है। नाउ इट्स अराउंड 12:15, तो अब मेरा योगा का टाइम है। मैं योगा करूँगी और उसके बाद लंच टाइम फॉर किड्स। सो आई एम गोइंग टू डू माई योगा। नीचे जा रही हूँ, शौर्य के जॉब का टाइम हो गया है। यहाँ रही है मेरी प्रिंसेस। हाय प्रिंसेस। हाय प्रिंसेस, व्हाट यू डूइंग? अभी लोग के लंच का टाइम हुआ, मैं जा रही हूँ शौर्य को नीचे लंच के देने के लिए। ही इज रेडी देयर। एंड फिर बच्चों को नाश्ता का लंच का टाइम हो गया अभी। सो आई एम गोइंग उन लोग को लंच कराने के लिए। आना, आप भी फाइनली प्रिंसेस बन गए। आना भैया, मैडम प्रिंसेस बन के बैठी। अब दो गर्ल्स प्रिंसेस बनेगी, कैसे नहीं बनेगी यार। इसे भी देख ही लीजिए। She is princess here. Say hi. Hi. Everyone. प्रणाम कीजिए सारे बड़ों को। प्रणाम। पूछिए कैसे आप लोग? तो आना यहाँ लंच कर रही है। इसका लंच मेन्यू खींच रही है। सारे बच्चों का लंच मेन्यू आज खींच रही है। यहाँ क्लॉजेट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसे ब्यूटीफुल लुक देने के लिए यहाँ ये स्टिकी पेपर चिपका रही हूँ। इससे देखिएगा, इसका एक वॉल पे मैंने इसे स्टिक कर दिया है। और अभी इसका लुक देखिए, और थोड़ी देर में इसका लुक टोटली चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स।
लेकिन इधर उसकी बड़ी दीदी भी ज्वाइन की है। ओम ओम। बट यू जस्ट हैड योर लंच त्रिशु, अभी तो लंच किया हो ना? अच्छा ठीक है कर लो, बहुत अभी त्रिशु पूरा योगा करने में बिजी है। तो दिन का सारा काम डन है, त्रिशु ईशी और सारे बच्चे वॉक पे गए हुए हैं, और जैसा आप लोगों को तो पता ही होगा त्रिशु नैप लेती है दिन में, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तो साथ साथ मैं यहाँ थोड़ा सा बर्तन खाली कर ले रही हूँ, तो इससे क्या है थोड़ा किचन और ऑर्गेनाइज लगता है, और ऐसे में मुझे त्रिशु के लिए वेट करना ही है तो थोड़ा काम और सही। तो यहाँ मैं अपना किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मेरे बैकयार्ड में ये ट्रीज है तो यहाँ इसलिए बर्ड्स, यू कैन सी, लिसन टू द वॉइस, कितना मीठा लग रहा है, इतना अच्छा लगता है ना। ओ देयर इट इज, इतनी मीठी लगती है आवाज सुन के, बहुत अच्छा लगता है। दिस इज माई हाउस आउटसाइड, मैं आपको अपना हाउस टूर भी करवाऊंगी। एक्चुअली अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ, थोड़े दिन बाद जब कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा वो डन हो जाए तो मैं पक्का आप लोग को हाउस टूर जरूर करवाऊँ। तो मेरा वीता लोग आ गया है वॉक करके। मम्मा वॉज वेटिंग फॉर यू इशी, व्हाट यू डूइंग, और वाच आ ली है मेरी छोटी सी प्रिंसेस, कम माई लव, कम ऑन, कम बेटा, मम्मा वॉज वेटिंग फॉर यू। आप स्लीपर्स में गए थे वॉक करने? ओ आई रिमेम्बर, से हाय बेटा। बोले मैं वॉकी वॉकी करके आ गई हूँ, भाग गई। चलो मम्मा नीनी कराएगी। तो त्रिशु आ गई है, इसी सब आ गए वॉक करके, और जो त्रिशु गोदी गोदी हो ली है, और ये देखिए ये पूरी ब्लश कर रही है। त्रिशु ब्लश, व्हाई आर यू ब्लशिंग? Say, I'm beautiful. I'm beautiful. Oh, really? You I are? I just came from a walk. Yeah. I'm feeling hot. Okay. Well, I need to chill now. Chalo, let's go chill, chill. Let's chill, chill. Let's take a chill baby. Pill. Oi, baby, let's take a chill pill from mama. तो अब त्रिशु नीनी करने जाएगी, है ना? चलो लेट्स गो इनसाइड। तो अब मैं ले जा रही हूँ मेरी छोटी सी प्रिंसेस को नीनी कराने, इसी लेट्स गो होम बेटा। चलिए हैंड वॉश करना है, इट्स हैंड वॉश टाइम। नो 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 नो, डोंट डू लाइक दैट, नो, यू विल हिट योरसेल्फ, यू विल हर्ट योरसेल्फ बेटा, कम सुना। चलो लेट्स गो स्लीपी नीनी, व्हाट यू आर डूइंग त्रिशु? वॉश योर हैंड्स। What, bitter? What Trishu is doing? You need soap? No. Okay, take soap? No, I don't want the soap. No, you don't want the soap? Okay. You're welcome. Oh. Okay, wash your hands. And then what we will do? We will go to sleep. Ab Trishu hand wash kar rahi hai. Chalo, wash your hands quickly. So, mama Trishu ko neeni karane le jayegi, hai na bitter? ओके दैट्स इट, दैट्स इट। चलो त्रिशु, नो वेस्ट इज ऑफ वाटर, वाटर वेस्ट नहीं करते बेटा, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। ओके ओके बेटा, वाटर नहीं वेस्ट करते, क्या नहीं करते? नो वेस्ट इज ऑफ वाटर, नहीं वेस्ट करते, बोल दो तो। नो वेस्ट, नो वेस्ट वाटर, गुड। त्रिशु नैपी लेके उठ गई है और आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही है। त्रिशु ने अभी कुछ देखा है, क्या देखा बेटा बता दो? किसने क्या देखा त्रिशु ने? रैबिट देखा, रैबिट देखा त्रिशु ने, अभी रैबिट देखा, रैबिट की बेबीज देखे, राइट त्रिशु? यू लाइक इट बेटा? यस, इट वाज क्यूट, यस, बहुत क्यूट था ना? ओके, वेरी क्यूट, राइट? यस। ओके, अब त्रिशु नैपी लेके उठ गई है, मम्मा त्रिशु को नीचे लेके जा रही है। त्रिशु क्या खाएगी अभी? अभी कुछ खाना है त्रिशु को? त्रिशु को कुछ खाना है? कुछ खाना है, कुछ खाना है मम्मा त्रिशु को? चलिए कुछ खाने चलते हैं। तो मम्मा, मम्मा त्रिशु को नीचे ले जा रही है और ऋषि दीदी उसके नीचे ही खेलू खेलू कर रही है। तो त्रिशु अभी भी यॉन कर रही है, तो अब त्रिशु और मम्मा जा रहे हैं नीचे ले जाके त्रिशु को मम्मा कुछ खिलाएगी।
बहुत अच्छा लग रहा है इस वेदर में अभी शाम में, ऊपर चिड़िया है। तो फिर अभी शाम में आ गई हूँ, त्रिशुईशी लगे हुए प्लांटिंग में थोड़ा सा, वो मैंने आपको गार्डन दिखाया उसमें थोड़ा प्लांटिंग में हेल्प करवा रहे हैं। और मैं अब जा रही हूँ किचन में चाय पी के आटा सानने पूरी के लिए। आई टोल्ड यू कि आज एकादशी है, तो वो आलू की सब्जी मैंने दिन में दिखाया था, तो अभी पूरी के लिए आटा सानूंगी। तो दिखाती हूँ कि पूरी का आटा, ऐसे तो आई नो सबको पता है फिर, लेकिन हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं लेस ऑयल की वजह से आटे के पूरी में ऑयल बिल्कुल नहीं ऐड करते हैं, बस उसे अच्छे से ना अच्छे से मिक्स करने से, अच्छे से सानने से क्या होता है पूरी ऐसी और गर्मा गर्म पूरियाँ रहती है, कचौरियाँ होती है तो सॉफ्ट रहता है, और या क्रिस्पी भी उसे करा कर दीजिए तो ज़्यादा हेल्थ वाइज भी अच्छा है, और उतना आपको वो ओवर भी नहीं फील होता है खा के, तो वो ज़्यादा अच्छा फील होता है खाने में। तो इसलिए मैं पूरी का आटा दिखाऊँगी कि जो सानूँगी बस उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, और उसके बाद फिर वही रात में डिनर पूरी सब्जी। बच्चे भी पूरी लाइक करते हैं तो उनका भी डिनर में आज पूरी है। तो मैं अभी किचन में चलती हूँ, मिलती हूँ। पूरी के लिए आटा ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पहले मंगरेला, काला मंगरेला, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, नमक से स्वाद बहुत अच्छा आता है, और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। मेरा आटा सन के यहाँ रेडी हो चुका है, आई है गेट्रॉइड पीने के लिए। थैंक यू मामा। थैंक यू बेटा। और डाल रही हो उसके बॉटल में, दिस इज पाव पेट्रोल सिपर बॉटल, दिस इज वेरी नाइस बॉटल पॉकेट, एंड इसमें ये जो सिपर बॉटल है, ये सिपर यू कैन सी, इसमें बहुत इजीली रहता है और इसे बिल्कुल लीक नहीं होता है, ये लीक प्रूफ है बिल्कुल। ये गो। थैंक यू मामा। यू वेलकम। आई लव यू त्रिशु। Love you, Bita. This is Gatorade. This is very nice. Orange flavor is my favorite too. When I was pregnant with Trishu, I need to have this drink. And it's very nice taste and it's good for health too. तो ये रहा मिर्ची का अचार, और इधर पूरियाँ रेडी है बिल्कुल, और उधर मैंने चढ़ाया तेल गर्म होने के लिए, और आज का मेन्यू है पत्ता गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, मिर्ची और मिक्स्ड पिकल। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कोई भी ऑयल मैंने नहीं ऐड किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पूरियाँ फूल रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसमें ऑयल नहीं ऐड किया तो ये पूरियाँ फुल्ली नहीं। एंड एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी पूरी ना फूले, ये देख रहे हैं कितनी अच्छी फुली फुली पूरियाँ है, और इधर मैंने टिश्यू रख लिया है प्लेट में ताकि उसका ऑयल जो है वो सोक हो सके। और सिंस आज पूरी है तो मैं आज थोड़ा डिनर और दिन से भी जल्दी करूँगी, क्योंकि ताकि वो इजली डाइजेस्ट हो जाए और मैं वॉक कर पाऊँ। एंड ये एक ट्रिक है कि अगर आपकी पूरियाँ ना फूले तो इसे ऐसे छन्नी से अगर आप इस टाइप से हल्का हल्का प्रेस करते हैं तो आपकी पूरियाँ, अगर बहुत लोगों की पूरियाँ नहीं फूलती, अगर आपकी कोई पूरी ना भी फूले, अगर आप इसे ऐसे प्रेस कीजिएगा तो यू कैन सी पूरियाँ बहुत ही ईजली इस तरह से फूल जाएगी, और आप एक साथ दो से तीन पूरी भी, छोटी सी जगह में भी आप दो से तीन पूरियाँ भी एक साथ फ्राई करके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यू कैन सी मेरी पूरियाँ रेडी है गर्मा गर्म, और देखिए सारी पूरियाँ सारी बहुत अच्छे से फुली फुली निकल रही है। सो दिस इज माय डिनर फॉर टुनाइट एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय डिनर, इट लुक्स यमी। तो ये आज का एकादशी स्पेशल डिनर है मेरा, और मैं डिनर करके फिर निकलूँगी वॉक पे, एंड वॉक से आके फिर बच्चों को डिनर करवाऊँगी। इट्स ओनली अराउंड 7 राइट नाउ। हे फ्रेंड्स, इट्स अराउंड 7:30 और मैं ईशी और त्रिशु को लेके वॉक पे निकली हूँ। अब डिनर हो गया है तो इट्स गुड टाइम टू वॉक, अब जाके वॉक के बाद इन दोनों को डिनर करवाऊँगी।
एक झलक दिखला दूं इन दोनों की। हाय, से आई एम गोइंग फॉर वॉकी। और ये रही ईशी। ईशी कहाँ जा रही है? वॉकी। और इसके बाद घर जाके हम लोग क्या करेंगे? ईशी क्या करेगी? डिनर करेगी, खाना खाएगी। ओके, त्रिशु एंड ईशी इज गोइंग फॉर वॉकी वॉक। तो ईशी को मेरे से आज एक बहुत ज़रूरी स्टोरी सुनना था। एक्चुअली हमारे ड्राइववे से ईशी स्लाइड करके अपना साइकिल उतार रही थी, तो मम्मा मुझे अपनी एक बचपन की स्टोरी याद आ गई। तो आई टोल्ड हर कि मम्मा छोटे में गिर गई थी साइकिल से स्लाइड होके। तो शी इज़ सो एक्साइटेड ईगर कि मम्मा जल्दी से वो स्टोरी सुनाओ। ओके, तो मम्मा हाँ बेटा अभी सुनाऊंगी। मैं बहुत जब छोटी थी ना ईशी, और इसलिए साइकिल लेके आगे नहीं जा रही है कि मम्मा की स्टोरी सुन पाए। तो मैं जब बहुत छोटी थी ना ईशी, डिनर करवाने के लिए लेके आई हूँ। तो आज का एकादशी का मेन्यू है उन लोगों के डिनर का, पूरी खीर एंड दिस इज जैम लेके आई हूँ मैं। ईशी त्रिशु को जैम बहुत पसंद है, और ये पत्ता गोभी का जो मैंने प्लेन सब्जी बनाया था, सिंस उन लोगों को स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, तो ये पत्ता गोभी का मैंने नमक हल्दी और जीरा पाउडर डाल के फोरन वाली सब्जी बनाई। तो ये आज का डिनर है। वेटिंग हियर फॉर डिनर। ईशी हंग्री? त्रिशु हंग्री? वेरी हंग्री बेटा? So you want your food? Okay, mama giving you food. It's jelly. It's jelly. तो वो जैम को जेली कह रही है। What's this, bitta? It's jam. It's jam. Shu, you like jam, bitta? Yes. It's yummy. You like it so much? And since मैं आज जल्दी आई हूँ, तो ये मेरे ये रूम से ये व्यू है, बैकयार्ड का व्यू है ये। इन्हें जैम कितना पसंद है, उठा उठा के ईशी एंड त्रिशु। त्रिशु जल्दी जल्दी जैम खाने की कोशिश कर रही है। त्रिशु लाइक्स जैम सो मच, तो त्रिशु जल्दी जल्दी जैम खा रही है। तो मैं चली दोनों को अब डिनर करवाने। डोंट पुट योर होल फिंगर्स इन योर माउथ। नो नो नो, डोंट लाइक दैट बेटा। Okay, wait, mama giving you. Ishi bite. Ishi, take a bite. Good girl. Shall I eat like this? Like this? Beta. Mommy. Try it. So now what happened? Hello. It's night time now. Hello. So ye night time hai aur Trishu ke brush ka time hai. Chalogi mama, I'll help. Very good. Come here. Okay, two. One more time. Okay. E. Up and down. Up and E. Okay, two. So, Trishu brushing, brushing, done, done, right? Move your hand. It's dirty, bitta. Don't touch it. No, my hand. Okay, come. Kuli karo. Chalo. Gargle. No. Come here. Here. Now what mama will do? Tongue cleaning. Wait, just a moment. Turn to the other side. Good girl. So Trishu brushy done. Now say everyone good night. Hi, I'm good night. Say good night. Good night. So we are going to sleep. ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात नहीं बोलते, अच्छे से बोलिए। सभी बड़ों को त्रिशु मामा की तरफ से प्रणाम। प्रणाम। Good night. Stay safe. Take care. Okay. फ्रेंड्स, तो आज का सारा काम डन हो गया है। त्रिशु ईशी का दूध का काम हो गया है, ब्रश का मैंने आप लोग को दिखाया, ब्रश हो गया है, डैड आ गया उसके, उन्होंने डिनर कर लिया है। तो अब मैं गुड नाइट कहूँगी आप लोगों को। और एक बात जो मैंने बीच में कहा कि मैं हेल्थ टिप्स शेयर करूँगी, एक्चुअली मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, बट इट्स
वो अराउंड 15 मिनट का वीडियो है, लग रहा है मैंने पूरा जो भी ज्ञान है मेरे अंदर वो सारा उसमें मैं आप लोगों के साथ आई एम सॉरी शेयर कर दिया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर हो सके नहीं तो मैं वो अलग से ब्लॉग पोस्ट करूँगी जो भी मैं हेल्थ टिप्स फॉलो करती हूँ। तो इस वीडियो में ये बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना हेल्प सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। और एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कहते हैं माइंड ऐसी चीज़ है ना, जितना चलता रहे ना उतना एक्टिव रहता है। तो आई एम सो हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई, मैं इस ब्लॉगिंग की वजह से थोड़ा ज़्यादा बिजी भी रह रही हूँ एंड स्पेशली अभी आई एम वेरी मच न्यू, तो मुझे एडिटिंग वो सब में बहुत काम हो जा रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है एंड ऐप इज़ वेरी मच न्यू फॉर मी। बट इतना मेरे पास काम हो गया ना एक्स्ट्रा काम ये सब को लेके, तो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये करके। और इंसान को लाइफ में जो काम अच्छा लगे ना, अनलेस वो गलत ना हो, तो मैं वो कहूँगी अगर वो काम गलत ना हो, ये नहीं कि किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वो काम, अगर आप या किसी को चोट पहुँचा के वो नहीं, बट इंसान को जो अच्छा काम अगर अच्छा लगे तो ये मैं ज़रूर लाइन ऐड करूँगी, तो ज़रूर करना चाहिए। तो सबको मेरे तरफ से सारे बड़ों को प्रणाम and stay happy, stay safe, take care, all the best for everything and please like, share and subscribe to my channel and keep my babies in your blessings. Thank you so much for watching my videos. Thank you.